हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है, देखिए, वो है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। इससे पहले हमने जनरेटर के बारे में भी पढ़ा था, तो आज मैंने लिया है इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, मैंने उसी नोट्स को कवर करवा करके और मैंने डीसी का लिया है ताकि आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं एक और छोटी चीज़ बताऊंगा आपको। ये एसी और डीसी, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में हैं, आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कम से कम आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें प्रिंसिपल, स्ट्रक्चर और फंक्शन, ये तीनों आपको मेंशन करने हैं। और देखिए, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स के बिहाफ पे आपका कंप्लीट, पूरा का पूरा कंप्लीट आप थ्योरेटिकल पार्ट तैयार कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर का अगर आप प्रिंसिपल देखते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल है तो हम इसमें देखते हैं ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप सभी के घरों पे इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं, जैसे पानी वगैरह हम खींचते हैं, उन सभी में देखिए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करते हैं और वो किस में चेंज हो जाता है? मैकेनिकल एनर्जी में। जबकि हमने जब एसी देखा था तो ये ऑपोजिट था, ठीक है ना? तो ये इसका प्रिंसिपल हो गया मेन। तो आप स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? इन इलेक्ट्रिक मोटर इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर में। देखिए, इसके स्ट्रक्चर में और एसी के स्ट्रक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही 4 पार्ट्स होंगे। देखिए, आर्मेचर, सबसे पहला आर्मेचर हमने लास्ट टाइम भी देखा था। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बना रखा है, ए बी सी डी आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, ये आयरन कोर जैसा होता है, रेक्टेंगुलर आयरन कोर। आप इस तरह से मान लीजिए, ये एक रेक्टेंगुलर कॉयल है, इसके ऊपर जितनी ज़्यादा आप, इसके ऊपर कॉपर वायर की बहुत सारी रैप्ड रहती है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर लगा देते हैं, तो ये आर्मेचर बन जाता है आपका। ये आयरन, ऐसे समझिए, आयरन का एक रेक्टेंगुलर कोर लेना है और उसके ऊपर आप जितनी ज्यादा कॉपर वायर के टर्न्स लगा देंगे तो वो आपका एक आर्मेचर का फॉर्म तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आता है फील्ड मैग्नेट। आप देख सकते हैं कि आर्मेचर के दोनों साइड 2 स्ट्रांग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं, जिनको हम N और S से रिप्रेजेंट करते हैं, N और S से, ठीक है। और ये जो आर्मेचर जो रोटेट होता है, वो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फील्ड मैग्नेट के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना के ही रोटेट होता है। देखिए, मैंने कहा था ना, सिर्फ कुछ ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो देखिए, हमने वहां पे स्लिप रिंग्स पढ़े थे, देखिए वही नोट्स हैं, मैंने बस स्लिप की जगह स्प्लिट किया है। और चेंज क्या आएगा वो देखिए आप, कि जब आप स्प्लिट रिंग्स लिखते हैं, आप यहां पे देख सकते हैं कि ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, ये हाफ हाफ हैं। हमने जब उसमें देखा था स्लिप रिंग्स, वो पूरे कंप्लीट थे। तो स्प्लिट रिंग्स क्या होते हैं, देखिए कि आर्मेचर जो होता है वो लीड्स टू जॉइन आगे की तरफ, ये 2 हाफ आर्मेचर लीड टू जॉइन विद 2 हाफ कॉपर रिंग्स। ये 2 आधे हाफ कॉपर रिंग्स से बने होते हैं। लाइक देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा एक कंप्लीट हो गया, लेकिन ये ऐसे हाफ रहता है, ये हाफ ऐसे हाफ, ठीक है ना, ये हाफ ऐसे हाफ हाफ रहते हैं। और इनर साइड में ये एक एक्सल से जुड़े रहते हैं, इनर साइड में एक्सल से, और इनका जो आउटर साइड होता है दोनों, वो आउटर साइड जो होता है वहां पे ब्रशेस जुड़े रहते हैं। तो स्प्लिट रिंग्स जो होता है, आर्मेचर्स आगे की तरफ लीड्स टू द हाफ ऑफ किसे, कॉपर रिंग्स से जुड़े रहते हैं, जिनको हम स्प्लिट रिंग्स कहते हैं, ये हाफ होते हैं। इनका जो इनर पार्ट होता है, देखिए, इट्स इनर पार्ट इज जॉइंट विथ एक्सल, इनका जो इनर पार्ट होता है वो एक्सल से जुड़ा होता है, जबकि जो इनका आउटर पार्ट होगा वो ब्रशेस से। ये डायग्राम देखिए आप, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, बीच में मैंने रेड कलर का एक्सल बना रखा है। तो देखिए, ये जो ये दोनों स्प्लिट रिंग्स हैं, इनके जो इनर पार्ट हैं ये एक्सल से जुड़े हुए हैं, जबकि इनके जो आउटर पार्ट हैं ये ब्रश से जुड़े हुए हैं। देखिए, B1 और B2 ब्रशेस हैं, जबकि ये R1 और R2 जो है वो स्प्लिट रिंग है। स्प्लिट रिंग्स के बीच में ही आ गया आपका एक्सल, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट में तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये क्यों जरूरी है। इसके बाद देखिए आता है ब्रशेस। ब्रशेस जो हैं, मैंने अभी बताया कि स्प्लिट रिंग्स जो हैं, देख सकते हैं R1 R2, इनके आउटर साइड में ये B1 और B2 ब्रशेस जुड़े रहते हैं। तो ये जो B1 B2 ब्रशेस होते हैं, ये भी कार्बन के बने होते हैं और ये स्टेशनरी होते हैं विथ R1 एंड R2। R1 एंड R2 क्या है हमारा? स्प्लिट रिंग्स, उनके आउटर मास पार्ट से ये जुड़े रहते हैं। और ये जो ब्रशेस है, ये ब्रशेस आगे की तरफ देख सकते हैं आप, एक बैटरी से जुड़ा रहता है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के 4 पार्ट्स हो गए।
अब देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में सिर्फ दो डिफरेंस है एसी और डीसी में, मैं वो क्लियर कर दूं। वहां पे स्लिप रिंग्स थे, यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स आ गए, वहां पे वो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ था और यहाँ पर ये आउटर पार्ट में बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। अब हम आते हैं थोड़े से इसके फंक्शन पे। ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई, अब हम देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे करेगा। तो देखिए फंक्शन में कैसे होता है, एक बार मैं थोड़ा सा आपको फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है इसमें करंट हमेशा सेम रहता है, उसका रीजन क्या होता है हम अभी उसी पे आएंगे। देखिए सबसे पहले जैसे हमने बैटरी से करंट स्टार्ट किया, आपने बैटरी ऑन की, तो देखिए बैटरी ऑन होते ही करंट जो है वो B1 में जाएगा, ब्रशेस में, B1 ब्रशेस से होता हुआ आर्मेचर ABCD में जाएगा, ABCD से वापस B2 ब्रश में आएगा और B2 ब्रश से वापस ही रिटर्न बैक होकर किस में आ जाएगा, बैटरी में। क्लियर हो गया? तो ये रिवर्स होकर के वापस बैटरी में आ जाता है। तो इस टाइम अगर आप देखते हैं तो जो R1 है, R1 मतलब जो स्प्लिट रिंग्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, B1 ब्रश से, और जो R2 स्प्लिट रिंग्स है वो किससे जुड़ा हुआ है, B2 ब्रश से। और इस टाइम जो करंट फ्लो हो रहा है वो AB मतलब A2B में हो रहा है और CD C2D में करंट फ्लो हो रहा है। ये कंडीशंस आप इस तरह से, मैं एक बार डायग्राम में थोड़ा समझाता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहां से करंट फ्लो हुआ, ये देखिए ये गया B1 ब्रश में, B1 ब्रश से होता हुआ ABCD आर्मेचर में चला गया कॉइल में, और कॉइल से होता हुआ वापस देखिए किस में आ गया, ये B2 ब्रश में, B2 ब्रश से होता हुआ वापस किस में आ गया, बैटरी में। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा कि भाई करंट कैसे फ्लो होता है। अब ये देखिए ये कंडीशंस आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग आपने A2B CD में C2D करंट फ्लो हो रहा है, या आप चाहें तो रिवर्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जब आप हाफ लिखेंगे तो उसमें फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइम अगर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगा करके फोर्स निकालें, ध्यान रखिएगा लेफ्ट फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे हम फोर्स निकालते हैं, तो अगर हम फोर्स देखें तो AB जो है इस टाइम इस पे फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है, CD जो है इस पे अपवर्ड कर रहा है। तो ये AB और CD जो अप एंड डाउन में मूव कर रहे हैं, फोर्स जो इन पे अप एंड डाउन में लग रहा है, तो एक्सल इस टाइम फ्रीली मूव होता रहता है, एक्सल पे कोई प्रेशर नहीं होता और ये फ्रीली मूव करता रहता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके हाफ रोटेशन पे। देखिए हाफ रोटेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें वो क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गौर से थोड़ा देखिएगा। ये दो स्प्लिट रिंग्स मान लीजिए, मेरे दोनों हाथों को मैंने स्प्लिट रिंग बनाया है, इधर आप देख रहे हैं रेड कैप है, ये B1 है, ये B1 ब्रश मान लीजिए और ये जो है वो B2 ब्रश मान लीजिए। ठीक है, आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होता है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स है दे हैव चेंज देयर पोजिशन, क्या करेंगे ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, और हमें पता है हाफ रोटेशन के बाद करंट का जो फ्लो है वो भी चेंज होगा। तो जब ये चेंज होता है तो देखिए क्या होता है कि ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं ये दोनों अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे। अब देखिए ये मान लीजिए B1 है और ये B2 है, ये मेरा हाथ था ये वाला और ये सेकंड वाला। अब जैसे करंट फ्लो चेंज हुआ, अब देखिए ये ऐसे हो जाते हैं ये दोनों। तो जब ये ऐसे हो जाएंगे तो ये वापस से ये वाला जो है ये B1 से जो हमारा R1 था वो ये वाला जो हाथ था ये देखिए अभी इसमें आ गया, R1 जो है अब ये B2 से जुड़ गया और जो R2 था वो B1 से जुड़ गया। मतलब आफ्टर हाफ रोटेशन, जैसे ही आधा रोटेशन खत्म होता है उसके बाद ये जो हमारी कंडीशंस हैं R1 और R2 जो हैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्प्लिट रिंग R1 है वो B1 से जुड़ा हुआ है और R2 जो है वो B2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है तो R1 जो है अब B2 से जुड़ जाएगा और R2 जो है वो B1 से जुड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। सपोज दैट ये देखिए इसमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको, ये B1 मान लीजिए प्लस है, ये आप देख सकते हैं ये B1 प्लस में है और ये जो है नीचे B2 ये माइनस में है। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग से जुड़ा हुआ है तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, देखिए ये 1/4 हो गया, ये हाफ हो गया, तो अब जो प्लस का करंट था वो अब यहां पे आ रहा है, तो ये स्प्लिट रिंग जैसे ही चेंज हुआ तो अब ये वाला ऊपर आ गया वापस से, जो देखिए जो प्लस था वो प्लस ही रहा, जो माइनस था वो माइनस हो गया। मतलब आफ्टर हाफ रोटेशन जो स्प्लिट रिंग है
वो अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो जो अब पहले जो R1 था, बस आप ये अगर नहीं भी उस तरह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही तो ये देख सकते हैं कि R1 B1 से जुड़ा हुआ था स्प्लिट रिंग, और R2 स्प्लिट रिंग जो था वो B2 ब्रश से जुड़ा हुआ था। अब हाफ रोटेशन के बाद R1 जो है वो B2 से जुड़ जाएगा और जो R2 है वो B1 से जुड़ जाएगा। मतलब दोनों स्प्लिट रिंग ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और दोनों अलग अलग ब्रशेस से जुड़ गए। तो इस टाइम क्या हुआ, जो करंट ऑफ फ्लो हो रहा था, देखिए आफ्टर हाफ रोटेशन जैसे करंट फ्लो चेंज हो गया, पहले ए बी सी डी था, अब क्या था डी सी बी ए, तो इस टाइम ये फोर्स भी अब पूरा इसका अपोजिट हो जाएगा ना, ए बी अप और सी डी कहाँ लग रहा है डाउन में, लेकिन करंट का फ्लो सेम रहा। क्यों, बी वन यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए B1 जो है सपोज दैट ये प्लस है और B2 जो है वो क्या है माइनस, और आफ्टर हाफ रोटेशन देखिए अब जो आपका जो B1 है वो कहाँ चला गया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये क्या रहेगा प्लस और ये B2 क्या रहेगा आपका माइनस। तो देखिए B2 हमेशा माइनस ही रहा और B1 प्लस। ये क्यों हुआ, क्योंकि जब स्प्लिट रिंग ने अपनी पोजीशन चेंज करी, तो जैसे ही स्प्लिट रिंग अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो पोजीशन चेंज करते ही जो B1 और B2 है उसमें करंट हमेशा सेम हो जाता है। देखिए पहले करंट कहाँ जा रहा था ए बी सी डी में, ए टू बी और सी टू डी, अब कहाँ जा रहा है देखिए डी सी बी ए, उल्टा हो गया करंट, लेकिन स्प्लिट रिंग ने जो अपनी पोजीशन चेंज करी इसके लिए करंट सेम रहा। अब इस टाइम फोर्स जस्ट इसका ऑपोजिट लिख दीजिए, ए बी डाउन फोर्स फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, यहाँ पे फ्लेम का लेफ्ट हैंड रूल हमने लगाया था, उससे हमने देखा ए बी पे डाउनवर्ड लग रहा था, सी डी पे अपवर्ड, अब ए बी पे अपवर्ड लगेगा और सी डी पे डाउनवर्ड। तो ये कंटिन्यूसली ऐसे रोटेशन होता रहता है और इस कंटिन्यूशन रोटेशन में जो कॉयल ए बी सी डी है और एक्सल जो है वो आफ्टर हाफ रोटेशन चेंज होते रहते हैं, लेकिन ड्यू टू आपके स्प्लिट रिंग जो अपनी पोजिशन चेंज कर लेता है तो बी वन और बी टू ब्रशेज में करंट हमेशा सेम रहता है, इसीलिए इसको डीसी बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो ये आपके पास एक कंप्लीट मटेरियल है जिससे आप थ्योरेटिकल नोट्स बना सकते हैं और इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए मैं नेक्स्ट टॉपिक्स में आपके लिए मैथ्स के लिए भी और ऐसे ही मेरे इंग्लिश के लिए भी बहुत से पॉइंट्स लेके आने वाला हूँ, तो आप लोगों का प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।